एक एक बूंद। एक रात को मैं स्नान करने के बाद बाथरूम से अपने बेडरूम में आ गया। मैं बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया और सोने का प्रयास करने लगा। अचानक मुझे बाथरूम से पानी के टपकने की आवाज़ आने लगी। नल में से एक एक बूंद करके पानी टपक रहा था और नीचे पड़ी हुई बाल्टी में गिर रहा था। मैं इतना थका हुआ था कि मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और मैं सो गया। रात भर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहा। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि बाल्टी पूरी तरह से भर गई थी और बहुत सा पानी बाथरूम के फर्श पर भी फैल गया था। मैं हैरान हो गया कि एक एक बूंद से इतना पानी इकट्ठा हो गया था। मैंने खुद से कहा, सिर्फ एक एक बूंद से बाल्टी भी भर गई और पूरे बाथरूम में पानी पानी हो गया। अगली रात मैंने नल को बहुत ही ध्यान से बंद किया ताकि एक बूंद भी ना गिरे। मैंने बाल्टी को भी देखा, बाल्टी पूरी तरह से खाली थी। मैं जब संतुष्ट हो गया, मैं जाकर अपने बेडरूम में सो गया। अगली सुबह मैंने देखा कि बाथरूम बिल्कुल सूखा हुआ था और बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं था। उसी समय मुझे एक बूंद का महत्व ज्ञात हुआ। मैं सोचने लगा कि सिर्फ एक बूंद कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितना फर्क कर देती है। मैंने इंसान की ज़िंदगी को उस नल और एक बूंद से तुलना करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप इसी तरह एक एक बूंद को एक वर्ष तक गिरने देंगे तो क्या होगा? वर्ष के अंत तक तो शायद कई ड्रम पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसी तरह एक एक बूंद बचाएंगे तो क्या होगा? अगर एक एक पैसा बचाएंगे तो वर्ष के अंत में क्या होगा? अगर आप प्रेम और उदारता की एक एक बूंद औरों को देना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर आप हर दिन आज से ही एक एक पन्ना रोज पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? अगर आप धर्म ग्रंथ के एक एक श्लोक को प्रतिदिन सीखने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय में क्या होगा? अगर आप हर दिन 1 मिनट प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? अगर आप 1 मिनट रोज पूजा करेंगे तो क्या होगा? अगर आप अपने सपने की तरफ रोज एक कदम बढ़ाएंगे तो एक वर्ष में आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अगर आप एक बूंद उदारता और दया की लोगों को देना हर दिन शुरू कर देंगे तो क्या होगा? अगर आप एक एक गुण और थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपने जीवन में लाएंगे तो एक वर्ष में क्या होगा? मित्रों, कभी भी एक बूंद के महत्व को कम मत आंकिए। एक एक बूंद पानी अगर आपने इकट्ठा किया है तो आपके सूखे खेतों को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। एक बूंद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कभी भी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी कम महत्वपूर्ण मत मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद।